एक कहानी पढ़ रहा था, बहुत कमाल की लगी। मिस्टेक्स स्वाभाविक रूप से सुंदर बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रकाश निर्मित होना शुरू हो जाता है जो उनके शरीर के माध्यम से छन कर बाहर आता है, वह प्रकाशमान हो जाते हैं। ये कहानी एक प्रबुद्ध संत की है जो अपने मरने के करीब था और उनके एक मित्र, एक और संत मिस्टेक उनसे मिलने आए थे। उनकी मृत्यु करीब देख के मित्र रोने लगा। मरणासन्न संत ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है मृत्यु झूठी है, सिर्फ शरीर की है और मैं अपने घर ही तो वापस जा रहा हूँ। मैं मर नहीं रहा हूँ, मृत्यु कुछ भी नहीं है और तुम ये बेखूबी जानते हो। तुमने अमरता का अनुभव किया है तो तुम क्यों रो रहे हो? तब दूसरे संत ने कहा, मैं आत्मा के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तुम्हारे सुंदर शरीर के लिए रो रहा हूँ। अब ये शरीर पृथ्वी में वापस लौट जाएगा, पृथ्वी इसको अपने में वापस समा लेगी। और फिर कहानी कहती है दोनों ने रोया। ये कमाल की बात थी, दो संत ये जानते हुए मृत्यु सिर्फ शरीर की है फिर भी रोए। झूठ ही सही, तृष्णा ही सही, लेकिन जीवन अपना सपना हजारों ढंग से हमें दिखाता है। माना क्षणभंगुर है संसार ये शरीर, लेकिन कितना सुंदर है। पानी के बबूले में जो एक सुंदर सा इंद्रधनुष बन जाता है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। पता है कुछ क्षणों का मेहमान है, उसका प्रकट होना ये भी क्या कम है, कितना बड़ा चमत्कार है। जीवन की परिभाषा नहीं हो सकती, इस पृथ्वी में कितने रंगों में वो प्रकट होता है और दूसरे क्षण मिट जाता है। ये कैसा चित्रकार है जो इतनी सुंदर चित्र बनाकर उन्हें मिटा देता है। सौंदर्य ईश्वर की एक अभिव्यक्ति है, जिस रूप में भी ये प्रकट होता है वो सुंदर है। और जब भी सुंदरता होती है वो इस भौतिक जगत की मालूम नहीं पड़ती, इससे पार की लगती है। इसलिए प्रेम और सुंदरता का दूसरा नाम ईश्वर है। प्रणाम।